हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज पटेल। हमारे यूट्यूब चैनल एमडीएम टेक टेक्टिविजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो का मेरा टॉपिक है, यहाँ पे हमारे पास एक होम थिएटर आया है, तो होम थिएटर को आप देख सकते हो अच्छी तरह से। इस होम थिएटर में साउंड का प्रॉब्लम है, साउंड का प्रॉब्लम किसके बारे में आज वीडियो बताने वाला दोस्तों। तो आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर तीन ए सी लगी हुई है होम थिएटर में। तो यहाँ पे तीन ए सी लगी हुई है, वो तीन ए सी कौन सी है, तो ये तीन ए सी में अच्छी तरह से आपको फोकस करता है उसको दिखाने के लिए। ये आप देख सकते हो अच्छी तरह से ST कंपनी का है, TDA 2030 नंबर की IC है। तो इसमें एक IC फायर हो गई है, आप देख सकते हो यहाँ पे जो ब्लैक डॉट वाला वाइट डॉट वाला भाग है, आप देख सकते हो यहाँ पे जल गया है। ऐसे जैसे इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, पावर देता हूँ, तो क्या होता है देख सकते हो दोस्तों, अच्छी तरह जल जाती है। आप देख सकते हो यहाँ पे रेड वाला भाग इंडिकेट हो रहा है, अच्छी तरह से आपको बताता हूँ, यहाँ पे रेड वाला जल रहा है, देख सकते हो अच्छी तरह से। तो देख सकते हो ऐसे धुआं निकल रहा है, तो ये ऐसी हमारी ख़राब हो गई है, TDA 2030 नंबर की ऐसी वो ख़राब हो गई है। आप देख सकते हो अच्छी तरह से इसका प्रॉब्लम है। तो इसका प्रॉब्लम के बारे में आज इस वीडियो में सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। यहाँ पर तीन ऐसी लगी हुई है, आप देख सकते हो, ये हमारी लेफ्ट स्पीकर की IC, ये राइट स्पीकर की IC, और ये यहाँ पे जो जल गई है वो वूफर की IC, वूफर भी IC जल गई है। इसके हिसाब से दोनों को भी साउंड अच्छी तरह से आप सुनाई दे पड़ रहा है। तो ये IC आप देख सकते हो अच्छी तरह से, इसको पहले एक बार हम शोल्डर से निकालना स्टार्ट करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये वाला भाग है, यहाँ से मैं इसको सोल्डर कर देता हूँ। देख सकते सर्किट में से पहले मैंने ओपन कर दिया है, यहाँ पर लगा हुआ था। तो ये हीटिंग है हमारी, ज़्यादा हीट होने से हीट ड्राई करने के यहाँ पे ये हीटिंग का हमारे यूज होता है। तो ये पीछे से देख लीजिए, ये पीछे से मैं आपको बताता हूँ, ये वाली IC है। तो ये वाली IC आप देख रहे हो, इससे पीछे से मैं इसको यहाँ से सोल्डर रिमूव कर दूंगा। तो यहाँ पे ये IC लगी हुई है, तो इस IC को मैं निकाल देता हूँ। पहले आप किसी दूसरे कारीगर ने यहाँ से शॉप में से ये IC चेंज की हुई थी, तो ये IC सही है, लेकिन ये IC जल गई है। तो इसको मैं शोल्डर से पहले रिमूव कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे ये IC ख़राब हो गई थी, इसको मैं निकाल देता हूँ। तो ये हमारा D-Solder Wick है, D-Solder Wick से मैं इसको पहले निकाल देता हूँ। देख सकते हो ये IC पहले मैं निकाल के रिमूव कर दूँगा, क्योंकि ये IC पूरी तरह से जल गई है, अंदर से शॉर्ट भी हो गई है, इसलिए मैं यहाँ से इसको निकाल देता हूँ। सब वूफर की IC थी, TDA 2030, तो इसको निकाल दी है। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे इस IC को कैसे इसका हालत हुई, आप देख सकते हो अच्छी तरह से। यहाँ से वाइट वाला भाग है, जो वाइट वाला भाग ख़राब हो गया है। तो आप देख सकते हो ये हमारी ख़राब वाली IC है, जो जल गई थी। यहाँ पे नई आई वाली IC देख सकते हो, यहाँ से अच्छी तरह से आप मैं फोकस करता हूँ, 2030 नंबर की IC है, तो एम्पलीफायर की IC है। इसको मैं यहाँ पे जो ऐसे निकाल दिया है, वैसे एक बार हम लगा के चेक करेंगे इसकी क्या पोजीशन है। तो आप पीछे से देख सकते हो इसका कनेक्शन, यहाँ पे पीछे से मैं पहले एक बार देखते हैं। तो इसके आसपास में जो जम्पर लगे हुए, जो रजिस्टर लगे हुए, रजिस्टर को पहले एक बार चेक कर देना है। देख सकते हो अच्छी तरह से इसका मैं शोल्डर कर देता हूँ, आप देख सकते हो अच्छी तरह से यहाँ पर मैंने इसका शोल्डर करके देखेंगे। दोस्तों आप देख सकते हो ये इस IC को मैं अच्छी तरह से लगा दिया है, तो आप देख सकते हो इसको अच्छी तरह से लगा दिया है, और इसको मैं फिटिंग कर दूंगा। आप देख सकते हो यहाँ पे इसका पैनल का वायरिंग है, यहाँ पे मैंने पहले ब्लूटूथ का कनेक्शन किया हुआ, यहाँ पे आपको शो कर रहा है ब्लूटूथ का कनेक्शन, इसको मैं आपको मोबाइल में कनेक्ट किया है। तो मोबाइल में आप देख सकते हो दोस्तों कि ये हमारा मोबाइल है, मोबाइल में मैंने कनेक्ट किया हुआ है। आपको इसका साउंड सुनना दिया पड़ रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हो इसका मैंने स्टॉप किया हुआ है, यहाँ पे इसका देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल है, इसके साथ यहाँ पे बास का भी है। तो बास मैंने इसका जो बास का जो प्रॉब्लम था, बास ट्रबल जो साउंड का प्रॉब्लम था बास का, तो बास एंड ट्रबल का जो प्रॉब्लम था, इसकी IC मैंने चेंज कर दी है। तो यहाँ पर इसको मैं ब्लूटूथ कनेक्ट किया, यहाँ पर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। ये हमारा बास है, आप देख सकते हो बास का प्रॉब्लम था, बास में जब बढ़ाता हूँ
तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों का ये हमारा इनपुट देने के लिए है, मोबाइल में से इनपुट जैक पिन लगा है यहाँ पे, ऐसा ही दोनों केबल आते हैं यहाँ पे इनपुट दे सकते हो। यह वाला दो कनेक्शन जो आप देख रहे हैं दोस्तों, तो ये दोनों कनेक्शन लेफ्ट स्पीकर राइट स्पीकर का कनेक्शन है। तो इसको मैं यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल अभी एक ही स्पीकर है आउटपुट चेक करने के लिए। तो ये आउटपुट चेक करने के लिए मेरे पास एक छोटा सा ये है स्पीकर है, आप देख सकते हो स्पीकर का मैं कनेक्शन यहाँ पर दे देता हूँ। तो देख सकते हो दोस्तों इसका पिन मैं यहाँ पर आपको सब पिन चेक करके बताऊँगा, पहले यहाँ पे हम चेक करके देख लेते हैं। डाउनलोड गूगल पे समझ के पढ़ते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसको ऑन कर दिया, यहाँ पे ये इनपुट वाला अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। इसके साथ यहाँ पे ये भी कनेक्ट करके बताता हूँ। मोबाइल मैंने कनेक्ट कर दिया है यहाँ पे देख सकते हो, इसको मैं दोस्तों डीटीएच का जो सेटअप बॉक्स होता है, सेटअप बॉक्स की जो भी चैनल है वो बिना इंटरनेट से, तो जैसे हम कनेक्ट करें मोबाइल में सेटअप बॉक्स का, ये हमारा केबल है, ये केबल डिस्प्ले से आता है। तो दोस्तों ये देख लीजिए, दोस्तों देख सकते हो अच्छी तरह से ये कनेक्शन देख लिया आपने, तो इसको अच्छी तरह से दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे मैंने सब जो आईसी खराब हुई TDA 20 नंबर की जो आईसी थी, इस आईसी यहाँ पे लगी हुई है, देख सकते हो दोस्तों ये आईसी का प्रॉब्लम था, ये ऐसी ख़राब जब हुई थी, इसका चेंज करके मैंने अच्छी तरह से वीडियो में बता दिया है। दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे मैंने दूसरा यहाँ पे USB वाला कनेक्शन करके बताया, यहाँ पे USB भी अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। USB भी अच्छी तरह से वर्क कर रहा है दोस्तों, आप देख सकते हो इस वीडियो में मैंने यहाँ पे पूरा बता दिया आपको कि USB भी अच्छी तरह वर्क कर रहा है, ब्लूटूथ भी अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। इसमें जो ऑडियो एम्पलीफायर बोर्ड का प्रॉब्लम था, तो ऑडियो एम्पलीफायर बोर्ड में यहाँ पे 20 नंबर के 30 IC नंबर का था, उसको प्रॉब्लम था, उसको वीडियो में मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया है। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारे चैनल पर जो भी बंदे नए हो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और पास वाले बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिए, क्योंकि इससे टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वीडियो में लेते रहता हूँ, इसकी नोटिफिकेशन पहले आपके पास मिल जाए। दोस्तों उम्मीद रखता हूँ आपके दोस्तों को भी आप ये वीडियो मेरा शेयर कीजिए, वो भी आप घर पे भी अच्छी तरह से रिपेयर कर सकेंगे। तो दोस्तों उम्मीद रखता हूँ हमारा वीडियो बहुत आपको अच्छा लगा होगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमारा जय हिंद जय भारत।